भाई साहब क्या बताया, मूवी में एक सरप्राइज है, आप लोगों को सेकंड हाफ में पता चलेगा। मतलब मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है, चला रहे एक एक्शन मूवी है, पता है बैड वर्ड उनकी, मतलब लॉन्ग लंबे गुड़ा खा रही है। तो आप इस मूवी को कितना रेट देना चाहते हो? ये मूवी बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, हम खुद मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद घर से बाहर हुआ आज एक साल से, और मूवी क्या ही बता, इमोशनल हो गए, मुझे इतने इमोशनल होने में अच्छा नहीं लगता, बट ये मूवी देख के। डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, इमोशन है कि हम घर छोड़ते हैं इसलिए कि हम घर वापस एक्चुअली फाइनली आकर यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें, और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है, और कई बार नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद। तो भाई आप डंकी देख के निकले हैं, तो आप कैसा, आपको कैसा लगा? भाई साहब क्या बताया, मूवी में एक सरप्राइज है, आप लोगों को सेकंड हाफ में पता चलेगा। मतलब मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है, और मूवी क्या ही बता, इमोशनल हो गए, मुझे इतने इमोशनल होने में अच्छा नहीं लगता, बट ये मूवी देख के मैं खुद भी हो गया। तो ये जो जितने भी ओवरसीज में जो फिल्म चल रही है ना, वो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उनको वो लोग इस चीज़ से रिलेट करते, जो भी अपने घर से निकले पैसे कमाने के लिए, या फिर अपने घर वर छोड़ के निकले। तो डंकी मतलब अपनों से दूर रहना, ये तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ बोलना पड़ा, क्योंकि हम मतलब इतने साल से हम दूर रह रहे घर से, तो हमें मतलब ज़्यादा कनेक्ट कर पाए इस मूवी के साथ। और भाई डंकी मूवी ऐसा मूवी है, हर किसी को देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा है। राजकुमार हिरानी का आज तक का बेस्ट मूवी है, वैसे भी तो राजकुमार हिरानी के सब मूवी ही बेस्ट होता है, और ये और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि SRK और राजकुमार हिरानी का कॉम्बिनेशन तो अलग ही लेवल का है। कि ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, हम खुद मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद घर से बाहर हुआ आज एक साल से, मेरे लिए बहुत ही इमोशनल हो गया था क्लाइमेक्स आते आते ये फिल्म देख के, कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि शाहरुख खान का एक लाइन है मूवी में, डंकी का मतलब यही है कि अपनों से दूर रहना, घर से दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम वापस घर पे आके हम अपने फैमिली के साथ रह सके। कोई इतना अच्छा फीलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, 4 महीना हुआ है, तो धीरे धीरे मुझे बस इस चीज़ से मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं भी निकल के आया हूँ ना घर से। हाँ, जितने भी लोग बाहर आए हैं तो उनको पता चलेगा, बिकॉज वो लोग भी डेफिनेटली रोएंगी। फैमिली के साथ जाओ आप लोग, जो भी है आप लोग जाओ फैमिली के साथ जाके देखो, बहुत ही एंटरटेनिंग है, और SRK और राजकुमार हिरानी दोनों ने मतलब इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। नेक्स्ट लेवल बोल तो मतलब पूरा नेक्स्ट लेवल, आप लोग जाओ मतलब इतना एंटरटेन, हम लोग मतलब जितना भी मूवी टाइमिंग है आप लोग जाके एक सेकेंड के लिए भी आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा ये मूवी मतलब थोड़ा भी इधर उधर है, परफेक्शन के साथ लेके आए इतने सालों के बाद SRK के साथ, मतलब राजकुमार हिरानी जी जो रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो आप लोग जाके देखिए। मैं तो इसे 5 में से 5 स्टार देना चाहता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, तो आप लोग जाके देखिए। शाहरुख खान की एक्टिंग के बारे में, भाई लाजवाब है, भाई लाजवाब, मैं मतलब तापसी पन्नू, शाहरुख खान, विकी कौशल, और भी जो है मतलब सुनील ग्रोवर का भाई है, और एक और उन्होंने पूरा टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक परफेक्ट मास्टरपीस है इस साल का, तो आप लोग ज़रूर जाके देखना। मुझे स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं मूवी का, अदरवाइज मैं सब कुछ बता देता, बट आप लोग देखिए ज़रूर, क्योंकि एक सरप्राइज़ है, वो आपको बाद में पता चलेगा सेकेंड हाफ के बाद। और मूवी ओवरऑल अच्छी है, चला रहे एक एक्शन मूवी है, पता है बैड वर्ड उनकी, मतलब लॉन्ग लंबे गुड़ा खा रही। तो आप इस मूवी को कितना रेट देना चाहते हो? तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम बहुत ज़्यादा खुशी है, दिल से खुशी मिला इस मूवी को देखने के बाद। 10 में से 10 जाना चाहता हूँ, ऑफकोर्स 10 out of 10, 10 में से 10 देंगे भैया, आप मतलब जाके देखो, 80% लोगों का यही ओपिनियन आएगा, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। ओके, आप लोग जितने भी लोग हैं अभी तक नहीं देखा इस मूवी को, आप लोग जाओ जल्दी से, अपना मतलब नज़दीकी हो या दूर हो, आप लोग जाओ सिनेमा घर में जाके देखो आप लोग ये मूवी, अगर मिस किया तो लाइफ में बहुत बड़ा आप लोग के लिए बहुत बड़ा लेसन, आप लोग मतलब मिस कर रहे हो, ऐसा एक मूवी है, और सरप्राइज़ भी है, आप लोग जाओ मूवी में जाके देख के बाद में आके आप लोग को पता चलेगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ।